इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको एंड्रॉयड के कैमरे के अंदर अगर इस तरीके से दिखाता है डिवाइस स्टोरेज फुल, यू डोंट नॉट हैव इनफ स्टोरेज अवेलेबल टू कैप्चर मीडिया, फ्री अप स्पेस डिलीटिंग, तो यहाँ पर एप्स वगैरह कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आता है। तो इन इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर इस तरीके का इशू आपके एंड्रॉयड फ़ोन में देखने के लिए मिलता है तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें करना क्या क्या है कि सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर जो है ऐप्स में जाना है, मैनेज ऐप्स में जाना है। देखिए यहाँ पर कुछ डिलीट नहीं करना आपको और यहाँ पर अब ऐसा क्या करना है जिससे कि आपका स्टोरेज खाली हो जाए। देखिए स्टोरेज कम से कम 1 GB तो आपको खाली रखना पड़ेगा जब आप कैप्चर करते हैं, वीडियो कैप्चर करते हैं तो आपको 2 GB तक, जिस हिसाब से आप जिसके की वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, जिसको मतलब कि वीडियो बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको जो है खाली करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, अब तो यहाँ पर 3 लाइनों पर जाइए और रिसेट ऐप परफरेंसेस पर क्लिक कर दीजिए और या फिर यूट्यूब जैसी ये जो एप्लीकेशन है गूगल के अंदर ही इंस्टॉल्ड रहते हैं उन पर डेटा क्लियर मारना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि देखिए अगर आपने लॉगिन भी कर रखा होगा तो लॉगिन हट जाएगा, लेकिन लॉगिन जैसे करेंगे तो सारा डेटा आपका मिल जाएगा। उस तरीके से हो गया ड्राइव, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गूगल के कुछ एप्लीकेशन रहते हैं तो उस पर भी डेटा क्लियर मार दीजिए। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम रहता है तो उस पर भी डेटा क्लियर मार दीजिए, आपको सिर्फ लॉगिन करना पड़ेगा, सारा डेटा आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसे फेसबुक, और ये कंज्यूम भी बहुत सारा डेटा कर लेते हैं, 500 MB यहाँ पर कर लिया, इस तरीके से बहुत सारा डेटा कंज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे जो जो आपके पास एप्लीकेशन हो जिसमें ईजिली लॉगिन हो जाए और आपका डेटा सारा मिल जाए, उन जैसी एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर डेटा क्लियर कर लेना है। व्हाट्सएप को मत कर लीजिएगा क्योंकि व्हाट्सएप में आपका जो है डेटा जो है वो मैसेजेस का रहता है वो डिलीट हो जाते हैं, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा और मिले भी या नहीं मिले वो ऐसा हो सकता है, लेकिन मैसेंजर में भी कर सकते हैं और कहीं कितनी जगहों पर भी आप कर सकते हैं, आपका डेटा मिल जाएगा आपको वापसी, तो जो गूगल की एप्लीकेशन है उनमें कर सकते हैं। तो बाकी अगर यहाँ पर आपका जो है 2-3 GB खाली हो जाएगा ईजिली इसी ऐसे करते करते, तो फिर आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका बस। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।